हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने बख्शिश की। मैं फिर अर्ज करांगा कि भावना की नजर नाल जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन करने खां ते हजूर सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश की है कि देखण उत्ते बड़ा जोर दिता गया है। उंज भी देखो एक शब्द आप आवांगे ते महाराज दे इवन के गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सामने जदों अरदास करने आ ते साडे पंथ ने जिहड़े शब्द पाए ने उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दे नाल देखण दा शब्द भी पाया है। जिवें असी पाठ करने आ दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय ते अगे बचन है दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार। इहदा मतलब उत्थे भी देखण दा कंसैप्ट दूर नहीं किया गया। हालांकि फिर मैं बेनती करांगा यह शब्द बड़ा डूंगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार इहदा मतलब जो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करेगा वो गुरु ग्रंथ साहिब के दीदार करेगा। दीदार दा शब्द ए फारसी दा शब्द है जी दीदार पर असी संस्कृत दर्शन शब्द वरत लिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु उत्थे दीदार दा जिक्र किया गया है। देखो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच परमात्मा दे दर्शन सफल कहे गया। गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर गुरु दे दर्शन सफल कहे गया। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च जपण वाले गुरमुख दे दीदार सफल कहे गया पर गुरु ग्रंथ साहिब विच मनमुख नूं देखण तो वर्जिया गया है। इहदा मतलब देख के बहुत साडे ते असर पैंदा है। एक बार मैं बेनती कीती सी सोझवान मनोविज्ञानी गल कहिंदे आ कि जो बंदे दे अंदर खलबल मचदी है ना मन विच पाठ करदिआं सानूं सब नूं पता है मेरे अंदर की है। इस गल नूं याद रख के तुरिए आप जी ओ दास है कोई बंदा ऐसा नहीं जिन्हों अपने पापां दा पता नहीं भुल जांदा है पर्दे थले लुक जांदे आ पर मरदे नहीं। लुकण विच ते नष्ट होण विच बड़ा जतन है। लुकण शब्द समझने पंजाबी दा छिपना किसी चीज नूं छपा देना लुका देना ते किसी चीज नूं नष्ट कर देना दोनों च बड़ा फर्क है। साडे कीते हुए पाप समय की चादर थले छिप जांदे आ पर खत्म नहीं हुंदे लुक जांदे आ नष्ट नहीं हुंदे। यही कारण कि जदों आप जी देखोगे जितने मर्जी बंदे ने अंदर गुनाह किते होण वह छिपे हुए आ पर मुके नहीं नष्ट नहीं हुए। जदों इंसान पाठ करन लगदा है जां धर्म की गल सोचदा है संगत विच बैठदा है जदों अखां बंद करदा है इहदे कीते हुए लुके हुए पाप जिहड़े ने उस समय की चादर नूं पाड़ के दे अखां दे सामने आ जांदे। वह किते हुए कर्म अखां सामने आउंदे आ जिहड़े आपां भुल्ले आ ते फिर आपां कई वारी व्याकुल जे हो जांदे आ विचलित हो जांदे आ कि जदों मैं पाठ करना इन्ने माड़े माड़े ख्याल क्यों आउंदे आ। नहीं प्यारिया चेते रखी तू भुल चुका है तू समय दे कपड़े थले उन्हां नूं छिपा दिता है। ये दो वेली प्रगट हुंदे आ जिंदगी च जे सिमरन करेगा उदों प्रगट होणगे जां फिर मौत वेले प्रगट होणगे ये नष्ट नहीं होए। फिर मैं बेनती करां सिमरन वेले प्रगट हो जाण ते सिमरन ना छड्डिए ते सिमरन इन्हां नूं नष्ट करके रख दिंदा है। नहीं ते जदों बंदे दी मौत हुंदी है ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਮੈਲ ਉਗਲ ਪਾਪ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਫੁਰਨੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ उदों क्यों अंदर तड़पदा है। मैनू इंज लगदा है कि जदों कपड़ा मैला पा के तुरो कई बारी कपड़ा ते मैल समझौता कर ले ते पता नहीं लगदा कपड़े विच मैल है कि नहीं पर जदों कपड़े ते पानी पा के साबण दी आपां चाकी नाल उहनूं कसावांगे याद रखियो कपड़े विचों मैल निकलदी उदों वे जदों पानी पाया जांदा है। सर्फ पाने उंज पाप कोई नहीं पता 24 घंटे
पर जदों जपजी साहब का साबण छूंदा है मन उदों फिर मैल उगल के बाहर आती है। पर इत्थे मैं आप नूं एक बेनती करांगा, इत्थे मन नाल युद्ध जे जे मन लो कीते हुए गुनाह जे कि सच कहे अंदरों फुरने जेड़े ने वह गंदे मैले कर्मां दे बाहर निकलते ने। कदी भी बाणी नूं छड्डो ना, मन टिके ना टिके। जेड़ा बंदा कपड़े की मैल देख के डर जाएगा वह कपड़ा अगे नो वध गंदा हो जाएगा, क्योंकि मैल उगल के बाहर आ गई, हुण तां पक्की जम जाएगी, अगे दिसदी नहीं सी हुण दिसेगी भी। सच एवे मैल बाहर उगले शब्द समझ दिओ ना जी, बैल बाहर आ जाए ते उहनू कदी भी पानी ते साबण नू छड्डो ना। चेते रखो अंदर गंदे फुरने उठन लग पैण, कदी गुरु की बाणी छड्डो ना। जे आपां मैले कपड़े ते साबण ते पानी पाएंगे ते सचमुच कपड़ा धुप जाएगा। जे मैले मन विच उठे फुरनिया च लगातार बाणी पढ़ांगे, एक दिन मैला मन धुप जाएगा, ये जरूर धुपेगा।